मिथुन राशि वालों की अब शनि बदल देंगे जिंदगी, मिलेगी हर मोर्चे पर शानदार सफलता। 139 दिन पूरी तरह मिथुन राशि पर मेहरबान रहने वाले हैं शनि देव। हर मोर्चे से मिलेगी अच्छी खबर और प्रमोशन के योग बनेंगे। समाज में स्टेटस बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जाएगी। दोस्तों, मिथुन राशि वालों की जिंदगी अब बदलने वाली है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मिथुन राशि वालों की जिंदगी में 100% होकर रहेंगी। अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो समझ लीजिए कि आपके बेहद अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। खुशियां आपके पीछे भागने वाली हैं, उपलब्धियां आपको हैरान करने वाली हैं। आप नोट कर लीजिए, शनि देव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं, पूरे 139 दिन देने वाले हैं। और शनि देव उल्टी चाल चलते हुए आपके कई सपने पूरे करने वाले हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है। पूरे 139 दिन के लिए शनि देव मिथुन राशि वालों पर अपनी खुशियां, अपनी कृपा लुटाने वाले हैं, मेहरबान रहने वाले हैं। करीब 4.5 महीने शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल होगी, लेकिन मिथुन राशि वाले बहुत फायदे में रहेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 29 जून 2024 को रात 12:35 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और 139 दिन उल्टी चाल चलने के बाद शनिदेव इसी साल 15 नवंबर को शाम 7:57 पर फिर से मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। शनिदेव 139 दिन तक मिथुन राशि वालों को क्या क्या देने वाले हैं, यही इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव को हमारे ज्योतिष में और हमारे नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता, कर्म का कारक माना जाता है। शनिदेव कैसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे रंक से राजा बना देते हैं, और जिस पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। यही शनिदेव 29 जून से 139 दिन उल्टी चाल चलेंगे तो मिथुन राशि वालों को गजब की सफलताएं देंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं चंद्र कुंडली के मुताबिक यह भविष्यफल बता रहा हूं। आप मेरी इस भविष्यवाणी को मिथुन राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, मिथुन लग्न के मुताबिक भी देख सकते हैं, और अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों का नाम का, की, जी, कू, खू, को, घ, ड, छ और ह से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के राशि चक्र की यह तीसरी राशि होती है। कुंडली का तीसरा स्थान भाई बहन और पराक्रम स्थान कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह जुड़वा होता है। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति बहुत अम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। मिथुन राशि के लोग अपनी बुद्धिमता और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, हर तरह की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार बर तैयार रहते हैं। ये काफी रोमांटिक होते हैं। इनकी भाषा शैली कमाल की होती है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब की होती है। ये बहुत हंसमुख होते हैं, चतुर होते हैं, आर्टिस्टिक लाइन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बड़ी कुशलता के साथ अपना काम पूरा करते हैं। हमेशा कुछ नया करने की ललक इनके भीतर रहती है। पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, दूसरों को तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली घटनाएं भी मिथुन राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान है और ग्रहों का खेल बता देता है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। मैंने 35 साल तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर लगातार रिसर्च वर्क किया है और अपने अनुभवों का आधार बनाकर एक किताब भी लिखी है, एस्ट्रोलॉजी या साइंस। मैं अपने अनुभवों के आधार पर पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि 29 जून से शनि देव का 139 दिन के लिए उल्टी चाल चलना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। कुछ घटनाएं इन 139 दिन की अवधि के दौरान मिथुन राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी, जो आपने सोचा भी नहीं था वह भी होगा। कुछ उपलब्धियां भी आपके खाते में दर्ज होंगी। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का उल्टी चाल चलना किस किस क्षेत्र में क्या क्या लेकर आ रहा है, ये इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 29 जून से 15 नवंबर तक का समय जो है मिथुन राशि वालों के लिए कई मोर्चों पर बहुत शानदार रहने वाला है। आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी जो आपको रोमांचित करेंगी। कुछ मामलों में आपको थोड़ा सावधान भी रहना है।
शनिदेव की उल्टी चाल से मिथुन राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ होगा। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। कैरियर और बिजनेस में अपार सफलता के साथ साथ धन लाभ के मार्ग बनते चले जाएंगे। शनिदेव की कृपा से हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। लंबे समय से अटके हुए काम अब बनने लगेंगे। शनि के वक्री होने से आपके कैरियर में तरक्की हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। मिथुन राशि वालों की अवधि में इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। पारिवारिक माहौल की बात करें तो घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आकस्मिक आपको धन लाभ होता रहेगा। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो आपकी मुराद पूरी हो सकती है और विदेश में पीआर पाने का सपना भी साकार हो सकता है। काम और कारोबार में आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बेटर होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। आप नया घर, नई दुकान, नया ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी, सफलताएं आपको मिलेंगी। प्रेम संबंधों को लेकर के भी समय आपका बहुत शानदार रहेगा। जो गलत फहमी चल रही थी वह दूर होगी। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनकी मुराद पूरी होगी और संतान को कैरियर में तरक्की भी मिलेगी। मिथुन राशि के जो लोग रियल स्टेट में है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में है, एजुकेशन में है, मल्टीमीडिया में है, ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बैंकर्स हैं, उनके लिए शनिदेव का उल्टी चाल चलना बहुत शानदार रहने वाला है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। प्रमोशन के योग बनेंगे। कोई नया दायित्व आपको सौंपा जा सकता है जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। अगर आप कंवारे हैं तो शादी के बंधन में बन सकते हैं। घर में विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और कोई रिश्ता आप फाइनल भी कर सकते हैं। 139 है। मिथुन राशि वाले किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सफलता मिलेगी। काम और कारोबार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो निर्णय आपकी फेवर में आ सकता है और घर के बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।